हम चाय ठंडी होगी, पहले आप चाय पी लें। अरे बस जरा सा रह गया, सीखे देती हूँ अभी। आप अचानक खामखा थक रही हैं, मैं इसी तरह पहन लूंगी। ये क्या बात हुई, अरे शादी ब्याह की तकरीब में भी तुम इतनी सादी। अब मैं जवान बच्चों की माँ हूँ। आमिर की शादी को माशाल्लाह से 4 साल हो गए हैं, बहू वाली तो थी, अब खैर से बेटी की शादी कर रही हूँ तो दामाद वाली भी हो जाऊंगी। अब इस उम्र में ये चोचले अच्छे लगते हैं। कमाल करती हूँ, अरे मैं कौन सा तुम्हें लाल गुलाबी रंग पहनने के लिए कह रही हूँ। अब तुम मुझे ही देख लो, मैं पूरे 2 साल बड़ी हूँ तुमसे। अल्लाह ने शादी के 7 साल बाद औलाद दी है, वरना आज मैं भी पोता पोती वाली होती तो इसका क्या मतलब है, मैं अपना ख्याल रखना छोड़ देती, हरगिज नहीं। अच्छा चले ये बताएं कि शहजाद की शादी कब कर रही हैं आप? अरे कोई बहुत अच्छी सी नौकरी लग जाए फिर। देखो भाई, इस तरह लड़कों की शादी करने की तो मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। नरमा का कहना है की आशा माइयों में जो कपड़े और चूड़ियाँ पहनी वो मैच नहीं करी, और ये है और मैं ये कह रहा हूँ की इन दोनों को खामा खामे बाजार जाने का शौक है, यार प्लीज मुझे माफ रखो आप लोग। अरे लड़के अगर बहन जिद कर रही है तो ले जाओ उसे बाजार। अम्मी जबरदस्त खाला ज्यादती है, खामा खा की अब ज्यादती नहीं करेगी, आप भी इन लोगों के साथ मिल गई हैं। भाई मुझे मैचिंग एयररिंग्स भी तो लेनी है ना। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस शादी में क्या काम है, आपके अपने भाई तो घर पे बैठे हैं और मैं आप लोगों के साथ घूमता रहूं। शामिर बुरी बात बेटा। अम्मा यही तो मैं कह रहा हूँ, बुरी बात है, यहाँ पर इतने सारे काम उलझे हुए हैं, मैं वो काम ना करूँ, इन लोगों को लेकर बाजार घूमता रहूँ। भाई शामिर अब ले भी जाओ ना, देर हो रही है। नाइमा मेरी बात सुनो जरा। जी अम्मी मुझे भी कुछ सामान मंगाना है, याद रखना, बल्कि ऐसा करो लिख लो, भूल नहीं जाना कहीं। लो छुट्टी हुई, लड़कियां तो लड़कियां, मेरी अम्मा सुभान अल्लाह, अब तो जाहिर जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। देखो बेटा जब ये दिन गुजर जाएंगे ना तो फिर याद करोगे तुम। खाला मेरा दिमाग जो है ना वो पक चुका है, इसने ये जो छुट्टी है 2 महीने से मुझे तिगनी का नाच नचाया हुआ है, कभी इधर चले जाओ कभी इधर चले जाओ, कभी ये लेना कभी वो लेना, अभी कम ऑन, मैं अकेला आदमी सारे काम करता फिर रहा हूँ। भाई चलो चलो देर हो रही है। अरे भाई बेटी की शादी कर रहा हूँ, कोई मजाक बात नहीं है, इसीलिए फुर्सत नहीं मिली। हाँ 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 अच्छा भाई सॉरी, मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, फ्लाइट का वक्त हो गया है, फिर बात करेंगे, ओके खुदा हाफिज। किसका फोन था? इकराम का। अच्छा अच्छा अमेरिका से। भाई 3 महीने से उससे बात ही नहीं हुई थी, अजीब सादा आदमी है वो, समझ रहा मैं किसी बात पर नाराज हूँ उससे। भाई मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं। आप खुद भी तो बहुत अच्छे हैं ना। अब अच्छा हम बेको ही देख लें कैसी निभी उनसे। क्यों क्या मतलब है आपका? अरे भाई हमारे समधी बनने वाले हैं। अरे वो तो हमारी बेटी को बहुत ही चाहत से ब्याह कर ले जा रहे हैं, और आप देखिएगा इंशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा, बल्कि बल्कि नौमान तो खुद बजाते बहुत अच्छा है। लाजवाब लड़का है वो तो, लाजवाब है वो। लो अब मैं तुमसे बातें करने बैठ गया। भाई अगर ये नौरीन हमें ना मिली ना एयरपोर्ट पे तो वहीं से वापस चली जाएगी। ये आमिर क्यों देर कर रहा है, कहाँ है? मैं देखती हूँ। देखे ये साड़ी अच्छी लग रही है ना? अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। अच्छा आपको अपने और बाबा के कपड़े भी लाने हैं ड्राई क्लीनर से। ओहो सारा तुम भी कमाल करती हो, हमेशा ऐन मौके पर। अच्छा तो क्या हुआ, आप जा ही तो रहे ना उस तरफ। आमिर बेटा फ्लाइट का टाइम हो गया है, तुम्हारे अब्बू कब से तैयार होके टहल रहे हैं, जल्दी कर लो बेटा। पता है क्या, तुम्हारी फूफो काफी अरसे बाद वापस आ रही हैं, इसलिए तुम्हारे अब्बू बहुत बेचैन हैं अपनी बहन से मिलने के लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं एक मिनट, ये कपड़ों की रसीद लाइए। ठीक है जनाब। अच्छा मैं सारा बेटा ये बताओ कि तुमने अपनी तैयारी तो मुकम्मल कर ली है ना? जी अम्मी। बहुत अच्छी बात है, देखो मेरी बहू को बहुत अच्छा नजर आना चाहिए। अच्छा तुम ऐसा करो कि जब तक मेहमान आ रहे हैं थोड़ी देर आराम कर लो बेटा। अम्मी आखिर मैंने किया ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। मैं ऐसा करती हूँ आपके और खाला जान के साथ बैठ के ना पुराने किस्से सुनती हूँ। ये अलीना कहाँ है? अरे भाई अपने कमरे में होगी, और कहाँ होगी।
सबा किन ख्यालों में खोई हुई हो भाई? सबा डरा दिया तुमने मुझे। यूं कहो अपने शहजादे के ख्यालों में खोई होगी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मुझे तुम्हारे यहाँ जाने की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। अरे वाह, मेरी सबसे प्यारी दोस्त की शादी हो और मैं नहीं हूँ। मैंने तो अपने मियाँ साहब को एक हफ्ता पहले से ही वार्निंग दे दी थी कि मेरी दोस्त की शादी है और मुझे सब फंक्शंस में जाना है, इसलिए नो फंटेबाजी। वैसे तुम क्या सोच रही थी? सबा तुम्हारी तो लव मैरिज हुई थी ना, तुम दोनों जानते भी थे एक दूसरे को अच्छी तरह। मैं ये सोच रही थी कि बिल्कुल अजनबी लोग, अजनबी माहौल और अजनबी शख्स, पता नहीं कैसा लगेगा मुझे वहाँ जाकर। एक बात बताऊँ अलीना, कभी कभी हम किसी शख्स को बहुत अच्छी तरह जान जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ऐसा लगता है जैसे ये शख्स वो है ही नहीं जैसे हम जानते थे। ये तो कोई अजनबी है, कोई गैर, बिल्कुल गैर, जिसको हमें नए सिरे से जानना है, समझना है। और कभी कभी किसी से पहली बार मिलके भी ऐसा लगता है जैसे हम उसे सदियों से जानते हैं। वैसे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, नुमान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और वैसे भी उन्हें तुम जैसी बीवी मिल रही है, उनके तो पैर ही ज़मीन पे नहीं टिकेंगे। अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में? ये तो तुम उनसे ही पूछना। ऐसे क्यों बैठे हो? खैरियत तो है? कुछ नहीं अम्मी, बस थकन सी हो गई थी। थकन तो होगी, तुमने भी तो सारे काम अपने गले में डाल लिए, जबकि तुम्हारे दोस्तों ने 10 बार कहा होगा कि अम्मी वो सब अपनी जॉब्स पर होते हैं और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। एनीवेज सारे काम तो हो ही गए ना आखिर। टेलर मास्टर का बार बार फोन आ रहा है, तुमने अब तक वहां से अपने कपड़े तक नहीं उठाए। तुमसे ज्यादा तो टेलर मास्टर को फिक्र है तुम्हारे कपड़ों की। ओके, आज कपड़े भी ले आऊंगा बस। नुमान तुम तो जानते हो ना अपने अब्बू को, कामों में बेतरतीबी उन्हें कभी भी पसंद नहीं थी, और अब तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी आदतों में शिद्दत आ गई है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम आराम कर लो, वाकई थके हुए लग रहे हो। वैसे एहतशाम, लगता नहीं था कि शादी ब्याह के मामले में इतनी धूमधाम करोगे। क्यों भाई? हमेशा उसूलों की जिंदगी गुजारी और ये मेरे उसूलों में कब शामिल था कि बच्चों की शादी में धूमधाम से नहीं करूंगा? अब देखिए साहब, एक ही तो बेटा है मेरा, उसकी शादी में अरमान पूरे नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा? अरे हाँ, एक ही तो पोता है मेरा, अल्लाह ने आज ये खुशी का दिन देखना नसीब किए। मैंने हर तकरीब अलहदा अलहदा रखवाई है। अरे अम्मा, आपको पोती से ज्यादा प्यार है या पोते से? मेरी तो दोनों ही आग का तारा हैं। अल्लाह ने ये दिन देखना नसीब किए हैं, अगर जिंदगी रही तो देखना किस धूम से आप पोती की शादी करूंगी मैं। अरे अम्मा, अल्लाह ताला आपको हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे। आमीन। ये देखो जरा, ये देखना जरा, ये मैंने चीजें खुद बनवाई हैं सारी। सुनार तो आजकल डंडियाँ मार देते हैं, अब अगर बहू जाती तो इन्हें दिखाते कुछ देते कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खूब। सोफिया, अब हम मेहंदी लगवाने कितने साथ जाएंगे? किसके साथ किसके साथ? हमारी तरह मत देखो, हम नहीं लेके जाएंगे। दादी, देख रही हैं आप इन लड़कों को? अगर हमें कोई लेकर नहीं जाएगा तो क्या हम लड़कियाँ अकेले जाएंगे? नानी, हम लड़के थके हुए हैं, बता दें इन सबको। काहे की थका,
पहाड़ खोदे हैं ना, इसीलिए दूध की नहर निकाली है ना। शीरी मिलेगी तो पहाड़ भी खोद देंगे और दूध की नहर भी निकाल देंगे। लो आ गए नुमान भाई। ये लड़के तो सबके सब काहिल हैं। नुमान भाई सबसे अच्छे हैं। नुमान भाई चले कहाँ? भाई हम सबने मेहंदी लगवाने जाना है। नुमान भाई आपकी शादी हो रही है और आपको चाहिए कि आप अपनी सब बहनों को मेहंदी लगवाने ले जाएं। लेकिन मैं तो काम से जा रहा हूँ। नुमान भाई आप भी? भाई नुमान तो बिल्कुल नहीं जा सकते। राहिल गुड्डू आप ले जाइए। उठो शाबाश, बच्चियों को तंग ना करो, अब ले जाओ इन लोगों को। बाजार में जरा इनका ख्याल रखना, कहीं खो ना जाए। थैंक यू दादी। चलो चलो चले भाई, गाड़ी निकाले ना। तौबा ऐसी चुड़ैल है कि बस। नुमान जी बेटा वो मी प्लीज। हेलो वैसे दुश्याम भाई आपके घर के माहौल में ऐसी बात है कि बच्चों से जो कह दिया जाए सर झुका के मान लेते हैं। ऐसा ये सब तबीयत का नतीजा है। मेरी कहीं भी बात या किए हुए फैसले से इनकार करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मेरे दोनों बच्चों में से किसी ने भी आज तक मुझसे आंख मिला के बात नहीं की। नुमान की शादी इस बात की एक बड़ी मिसाल है। जनाब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अलीना मेरी बहू बन के आए। मैंने फैसला किया, उसने चू भी न की। अरे बेटा तुम्हारी किसी बात पे तो दुल्हन ने भी चू नहीं की, हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशात का तुम्हारी मर्जी का एहतराम ही किया है उसने तो। हाँ ये तो आप ही कह रही हैं अम्मा। अरे भाई शाम को मायों के रस्म में हम मर्द लोग भी जाएंगे। जी मुनव्वर भाई, उनकी तरफ से सबको इनविटेशन है, सबको जाना है। तुम आ गए? तुम थे कहाँ और आ क्यों नहीं रहे थे? अपनी तन्हाइयों में था, आने की हिम्मत नहीं पड़ी। हौसला इकट्ठा कर रहा था तुम्हें किसी और का होते देखने के लिए। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, पियोगे? तुम्हारे हाथ की चाय, मूड तो कहीं नहीं मगर पिला दो आखिरी मर्तबा। ना तुम लोग कितनी आसानी से अपने बड़ों के फैसले उनकी मर्जी की भेंट चढ़ जाते हो। शहजाद प्लीज मैं आप किसी और की इबारत हूं। तुम खुश हो? हमारे बड़े हमारे लिए जो भी फैसला करते हैं यकीनन सोच समझ कर ही करते हैं, हमें खुश देखने के लिए, और हमें उनकी खुशी में खुश रहना चाहिए। आखिर माँ बाप है हमारे। अलीना तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। भाभी वो मैं शहजाद के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। कैसे हो शहजाद? मैं ठीक ठाक हूँ। कब आए? थोड़ी देर हुई। मोहतरमा थोड़ी देर में आपके मायों की रस्म होने वाली है और आप सारे घर में घूम फिर रही हैं। जल्दी से अपने कमरे में जाओ और फौरन तैयार हो जाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के आती हूँ, जाओ। शहजाद तुम बैठो, मैं चाय बना के। नहीं भाभी थैंक यू, मेरा मूड नहीं चाय का। अभी तो तुम्हारा चाय पीने का मूड था और मूड खत्म हो गया। बस भाभी थैंक यू सो मच। अच्छा चलो बैठो बातें करते। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी, कहाँ बैठ गए थे तुम लोग? दादी अम्मा अब मेहंदी लगवाने में तो देर लग ही जाती है ना। झूठ बोल रही है नानी अम्मा, पहले तो सब बाजार में जा घुसी, एक घंटे तक तो पता नहीं क्या क्या कानों को लगा रहा कि गले में पहन पहन के देखती रही। इसके बाद वो जल पड़ी हो गई। आए पूछे जरा, एक घंटा ही लगा इनको ढूंढने में। दादी अम्मा देखें कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है ना। हाँ बहुत अच्छी है। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ज़्यादा बातें ना करो, बहुत देर हो गई है, सब लोग तैयार हैं। चलो जल्दी करो मोटू, तुम बाद में खा रहे।
बाजे छन कभी देखो देखो प्लीज इस तरह मत करो ओके हाँ मैंने कहा है ना मैं आ रहा हूँ विद इन 10 मिनट्स आई विल बी ओके ओके अंदर आने से पहले तुम्हें फैसला करना होगा नुमान कि तुम्हारी जिंदगी में मैं रहूंगी या अलीना तुम जानती हो कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो तो फिर ये सब क्या हो रहा है नुमान मजबूरी हुआ शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी है बस और कुछ नहीं और मैं तुमने सोचा है कि मेरा क्या होगा कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बगैर हाँ क्या करूंगी नहीं देखो हुमा रोना मत मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता ओके तुम्हारे ही देवे ही आंसू नुमान अच्छा तुम्हारे सामने ही बहा दूं हुमा मैं तुमसे शादी करूंगा और जरूर करूंगा भाई जिंदगी की सारी तरखियां घुल गई हैं उसके मिजाज में लेकिन अपने बच्चों की तबीयत उसने कोई कसर नहीं उठा कर रखी है अलीना शहजाद तुम्हें इतना चाहता था और तुम आज बता रही हो मैं और शहजाद बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं मगर वो मुझे इतना चाहता था इस बात का अंदाजा मुझे कभी भी नहीं था तुम मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकती हो जी जी क्योंकि तारने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं या अल्लाह क्या करूं मैं इतनी तैयारियां इतनी धूमधाम कैसे इनकार करूं मैं दूसरी तरफ नहीं मैं हुमा को नहीं खो सकता ओफो बेटा तुम्हें पता तो है कि दो रातों से बैठ के आंसुओं से रो रो के मेरी बच्ची हलकान हो गई है आंटी प्लीज मेरी उसे बात कराइए प्लीज तुम क्यों नहीं समझते उसे छोड़ दो उसे रोने दो वो रो रो